देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, साथ में जुड़ने वाले पैनलिस्ट का और पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है भारतीय टेलीविजन पर जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही पब्लिक के मंच के जरिए सीधे अपने घरों से जुड़ के बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज बता दूं पब्लिक के मंच में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रशांत पांडे प्रयागराज से, हमारे साथ श्वेता सिंह गाजियाबाद से जुड़ेंगी, हमारे साथ अमन मिश्रा दिल्ली से जुड़ेंगे, हमारे साथ मनीषा दिल्ली से जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं किस विषय को आपने बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज बहस का मुद्दा है संसद सत्र और कृषि कानून। कृषि कानून वापस, हंगामा जारी, कैसे चलेगा संसद का सत्र? 70% लोगों ने इसे वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ध्वनिमत से कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया। इसके बाद अब ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और महामहिम जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो तीनों कृषि कानून जिन्हें किसान काले कानून कह रहे थे वो वापस हो जाएंगे। सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है किसानों के मांग पर। किसानों का आंदोलन 1 साल से चल रहा था, क्या इसके बाद सरकार के ऊपर चल रहा राजनीतिक संकट के बादल छट जाएंगे? क्या संसद का सत्र इसके बावजूद भी चल पाएगा? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन कृषि कानून की वापसी को बड़ा मुद्दा बनाकर अपने पक्ष में भुना पाएगी? इन्हीं तमाम सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे। ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णय वाला बने। शीतकालीन सत्र का पहला दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से कि माननीय सांसद सत्र चलने के स्पिरिट दिखाए। इस बीच संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा कराने की मांग को लेकर अड़ गया। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप? विपक्ष के रवैये से साफ है कि शीतकालीन सत्र में ठंडक की बजाय गर्माहट ही नजर आएगी। कानून का मतलब तो यही है कि आप पार्लियामेंट में लाओ, उस पर डिस्कशन करो, फिर पारित करो। ये किसी तरीके से डिस्कशन नहीं चाहते। हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉलो करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। ये सरकार को समझने की जरूरत है कि जब जब इन्होंने डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने की कोशिश की है, स्कटल करने की कोशिश की है, इनको अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि अभी एक स्पेशल बिल पास कराना चाहिए कि पार्लियामेंट के सुरक्षा के लिए बिल। दूसरी ओर संसद के बाहर किसान नेता राकेश टिकैत ने तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। अच्छा। कुछ मामले सरकार मान लेगी, ये धरना खत्म हो जाएगा, एक कमेटी बन जाएगी जो टाइम टाइम पे वो कमेटी इशू पे बातचीत करती रहेगी भारत सरकार से। इस बीच मॉनसून सत्र में 11 अगस्त 2021 की घटना पर कार्रवाई करते हुए 12 सांसदों को निलंबित किया गया। देश की बहस में चर्चा है कि शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही शोर शराबे ने सत्र में सदन से लेकर सड़क तक संग्राम जारी रखने की ओर इशारा किया है। सवाल है कि क्या इस बार भी काम से ज्यादा शोर होगा? और आपको पता है देश की बहस में हम एक सवाल देते हैं जो देश की बहस का सवाल होता है, और कार्यक्रम के अंत में हम देश की बहस के दर्शकों की राय बताते हैं। सवाल है, हंगामे के चलते क्या सांसदों के निलंबन की कार्रवाई सही है? 12 सांसदों का निलंबन किया गया था और यह हंगामा मॉनसून सत्र में हुआ था। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। शो के दौरान आप अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे
अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र आशुतोष जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी निशांत राय के पास चलूंगा, वहां पर जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि वहां से बड़ी खबर आई है। पंजाब से जुड़े कई किसान संगठनों ने कहा है कि अब इस धरने को या इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखने का औचित्य नहीं है। निशांत, क्या कहते हैं ये तमाम संगठन जो पंजाब से आए हैं, और राकेश टिकैत क्या कहते हैं? देखिए, अगर पंजाब के संगठनों की बात करें तो 32 किसान संगठनों ने मिलकर सीधे तौर पर कहा है कि अगर सरकार कृषि कानून को एमएसपी को गारंटी देती है और इसके अलावा जिन किसानों ने जान गंवाई है उनको मुआवजा मिलता है और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिया जाता है तो हम जल्द ही बड़ा फैसला ले लेंगे। यानी कि सीधे तौर पर किसान संगठन इस धरने को ख़त्म करने की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर एमएसपी पर गारंटी कानून की बात की है जो कि अभी इस पर चर्चा चल रही है। और बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत भी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर जो कानून है वो बनाया जाना चाहिए और उस कानून की मांग है। लेकिन जो बैठक 4 तारीख को होनी थी अब वो बैठक पहले हो रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद किसानों की तरफ से जिस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें आज शाम देर शाम को निकल कर आई हैं उसका नतीजे जो है वो कल तक देखने को मिले, क्योंकि किसान संगठनों ने सरकार को मंगलवार तक का समय दिया है। पंजाब के 32 किसान संगठन जो कि सिंघू बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी ओर से ये बात कही गई है। ठीक है, सीधे शहजाद पूनावाला के पास चलते हैं। शहजाद पूनावाला, पंजाब के संगठनों की तरफ से बड़ी खबर आई है, अच्छी खबर आई है। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक वापसी के संदर्भ में 4 तारीख की जगह अब 1 तारीख कर रहा है। कल हो सकता है संभवतः महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं। क्या सरकार एमएसपी के गारंटी को कानून बनाएगी और कमेटी जल्दी ही बना देगी कल या परसों में, ताकि परसों वापसी का रास्ता साफ हो सके? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने गुरुपूरब के दिन पर ही कहा था और वादा किया था कि एमएसपी के विषय पर पहले तो कानून वापसी होगी, उस पर संवैधानिक मोहर लग गई है, पता नहीं क्यों पार्लियामेंट में कहर अब भी ढा रहा है। परंतु उसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक हाई लेवल एमएसपी पर कमेटी बनेगी ताकि उसको प्रभावशाली और ईमानदारी से इस व्यवस्था को किया जा सके, क्योंकि हमारे भाई गुरदीप सप्पल भी जानते हैं, उनका काफी लंबा इतिहास रहा है इन विषयों पर। वो जानते कि आज की तारीख में 100% किसानों को एमएसपी का जो है फुल फायदा नहीं मिल रहा है और हम चाहते हैं हर एक किसान को मिले। और गुरदीप जी तो कतई नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का किसान जिसका गेहूं नहीं बिक रहा या महाराष्ट्र का किसान जिसका गेहूं नहीं बिक रहा उसको एमएसपी का फायदा ना मिले। वो नहीं चाहेंगे कि आज फल और सब्जी जो किसान नहीं बेच पा रहा एमएसपी पर उनके लिए हम चिंतन भी नहीं करें। और मुझे पता है कि अगर गुरदीप जी मांग रखते हैं किसानों के शहीदी स्मारक की, तो वो इसमें इसको भी जोड़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो किसान हमारे मारे गए हैं उनकी सरकार ने वहां पर गोलियां चलाई थी उनके लिए भी वो शहीदी स्मारक चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि वो महाराष्ट्र के भी जो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए और गुरदीप जी तो जानते हैं कि 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, उनके लिए भी शहीद स्मारक वो मांग करेंगे। ये सारी चीजें मैं जानता हूं, परंतु मैं एक और बात कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, जो किसान समाधान चाहते हैं वो खेतों की ओर चले गए, पर जो अब राजनीतिक किसानी करना चाहते हैं, जो लोग अब सियासतदान हैं, जो राजनीतिक जमीन तराशना चाहते हैं, जो सोफा लगाते हैं ट्रैक्टर पर और निकल पड़े हैं राजनीतिक जमीन और खेती करने के लिए, वो लोग व्यवधान डाल रहे हैं। मैं गुरदीप जी से कहूंगा, अगर इतना ही, चलिए हमने कानून वापस ले लिया, गुरदीप जी एक ही चुनौती है, केरल में एपीएमसी को लागू कर दीजिए। हमने तो आपका तथाकथित काला कानून था, एपीएमसी को मत हटाइए, आपकी मांग है। केरल जहां पे आपके राहुल गांधी सांसद है, हमारे राहुल गांधी जी सांसद है, वहां पर एपीएमसी नहीं है, एमएसपी नहीं है। मैं आज चाहता हूं गुरदीप जी तमाम राजनीतिक दावों को तोड़कर कहे कि केरल में एपीएमसी लागू होनी चाहिए। या दूसरी बात कह देता हूं, आसान चीज, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए जेल की सजा है, एकमात्र ऐसा राज्य है। गुरदीप जी, मैं चाहता हूं कि आप कहे कि पंजाब से ये काला कानून खत्म। ठीक है, सीधे गुरदीप सप्पल जी, क्या केरल के अंदर एमएसपी लागू होगी और क्या केरल के अंदर एपीएमसी यानी मंडियां लागू होंगी, जिस व्यवस्था को परिवर्तित करने के चलते आपने इसे काला कानून कहा था, सबसे पहला सवाल। और दूसरा, क्या पंजाब में जो लीगल पेनल्टी है किसानों पर उसको हटाएगी आपकी कांग्रेस पार्टी, कहेगी सीएम चन्नी को? सीधा जवाब दीजिएगा। पहले तो दीपक जी, जो आपने कहा कि पंजाब के 32 किसान संगठनों ने आज बोला है, गलत बात। संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है, जिसमें 40 से ऊपर संगठन है, कोई फूट नहीं है, वो केवल पंजाब के नहीं है।
पूरे देश के किसान संगठन उसमें शामिल हैं। सब ये जो बैठक हुई थी 32 किसान संगठनों की थी जो पंजाब के थे, इसलिए मैंने ये रेफरेंस लिया। सरकार ने ये जीत हुई नहीं जिस बैठक का परिणाम मैं बता रहा था वो 32 किसान संगठनों की बैठक थी पंजाब वाले, ये मैं आपको साफ कर दूं, इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला। तो आप नहीं दीपक जी, आप जो संयुक्त किसान नहीं जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पे एक साल से आंदोलन चल रहा है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम उसकी बात को पहले वजन दें और स्पष्ट करें कि देश में आज एक मत है, किसान पूरे देश के किसान संगठन एक मत हैं कि एक जीत हो गई है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि MSP के ऊपर अब आप कदम उठाइए, कमेटी कीजिए, कमेटी बनाइए, फिर वो चाहे किसान केरल का हो या जम्मू कश्मीर का हो, नागालैंड का हो या गुजरात का हो, जहां पे ना मंडी है ना MSP है ना कुछ है, गुजरात मॉडल है जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं है। और जो बात की अभी शहजाद जी ने हमारे बातों को घुमाया, बड़े अच्छे तरह से घुमाया, नहीं आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि केरल क्या की केरल में मंडियां बनेगी और MSP लागू होगी के ऊपर, क्योंकि ये तो राज्य कर सकता है। मैं जवाब सीधा दे रहा हूं, आप एक मिनट, आप सीधा जवाब लीजिए। इनको मालूम ही नहीं है कि केरल के अंदर, हालांकि हमारी सरकार नहीं है, इसके पहले हमारी सरकार भी थी, वहां पे सब्जियां भी MSP पे ली जाती हैं शहजाद जी, सब्जियां भी। आप APMC की बात कर रहे हैं, वो APMC से एक कदम आगे है। और सब्जियों की तो आज तक कभी MSP नहीं बनी गुरदीप सप्पल साहब, सब्जियों की तो आज तक कभी MSP बनी ही नहीं, मालूम होता सब्जियों की MSP कैसे बनेगी, यही तो बड़ा सबसे बड़ा विचार का प्रश्न है ना। आपने यहाँ पे स्पिन डॉक्टर कर दिया, केरल के अंदर आपने गुरदीप सप्पल जी, आपने जितना मीडिया मैनेजमेंट सीखा है वो स्पिन आज दे दिया यहाँ पर। आपने बोल दिया, मैंने नहीं माना कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है आपने अच्छी गुगली डाली है जी। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, आपने अच्छी गुगली डाली है, मुझे बता दीजिए अगर केरल में आलू MSP पर बिकता है तो गूगल करके बता दीजिए आज आलू का MSP क्या है। गुरदीप भाई बता दीजिए आज आलू का MSP क्या है, बता दीजिए कक्का जी को, बता दीजिए, गूगल कर दीजिए भाई साहब, केरल में आलू मंडी होता के, अरे मंडी के भाव तो सब व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे आपको, गूगल पर मिल जाएंगे, बता दीजिए आलू का क्या MSP है, प्याज का क्या MSP आज केरल में, बता दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दीपक जी, केरल के अंदर प्याज और आलू होता है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, अपनी बोल रहे हैं। अरे प्याज आलू तो हर कहीं होता है सर, भले से छोटी मात्रा में हो। भाई साहब आपको, आप अधूरी जानकारी से सिर्फ मोदी जी के एक कदम जो आज वो झुके। अच्छा चलिए, सब्जी अपने मन की चुन लीजिए, चलिए मान लिया मैंने, आप बोल रहे हैं केरल में प्याज आलू नहीं होता, आपके तर्क के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली, अपनी बात वापस ले लीजिए, जो सब्जी केरल में होती है उसकी MSP बता दीजिए, चलिए केले का MSP बता दीजिए आज की तारीख में, केरल में क्या किस भाव केला बिक रहा है, क्या डजन बिक रहा है, क्या किलो बिक रहा है, पका हुआ है कि कच्चा है, MSP में क्या क्या अंतर है, जो चीनी केला होता है 1 इंच का उसका क्या भाव है, और जो बड़ा केला होता है उसका क्या भाव है, क्या MSP है बता दीजिए। गुरदीप भाई मैं आपको सबसे ज्ञानवान प्रवक्ता मानता हूँ, और आपको कतई फंसना नहीं चाहिए ऐसे सवाल में, तुरंत जवाब दे देना चाहिए। अब मैं बोल दूं इस पे इंतजार कर रहा हूं। नहीं नहीं, आप बोलने देंगे तब तो बोलूंगा, आप शांत होंगे तो मैं बोलता हूं, बोलूं जी। ये जो मंडी लगा के आप खबरों की बैठे हैं ना, उसमें जैसे खबरों का भाव होता है और आपके प्रवक्ताओं को दूसरे पार्टी के सब पता है, वैसे ऐसा नहीं है कि हम देश के अंदर हर चीज का भाव लेके बैठे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दा क्या है? MSP 23 चीजों पे MSP है, उसकी लीगल गारंटी की बात किसान कर रहे हैं, सारा विपक्ष कर रहा है, और क्या वो MSP मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देश के हर किसान को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सवाल ये है। केले का भाव और दालचीनी का भाव छोड़ दीजिए, किसानों ने तो नाको चने चपवा दिए, भाव बता दिया देश में क्या होता है, बता दिया कि किसानों की ताकत क्या होती है, और आटे दाल का भाव भी मोदी जी को दिखा दिया है। आपका कुत्ते का नाम टॉमी है, वो इंसान है, ये कैसे हो सकता है बताइए ना। जब MSP बतानी है केरल की तो आप घुमा रहे हैं, मैं तो कुत्तों की नहीं, पता है वहां पर MSP है ही नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ कि उनको आटे दाल का भाव सिखा दिया किसानों ने,
आप एक लाइन, आप वो शब्द मत यूज कीजिए, मैं देश के पीएम की बात कर रहा हूं जिन्होंने आज बिना डिबेट के बिल वापस लिया, सुबह आके बड़ी बड़ी बातें की कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, देश हित में चर्चा होती है, और आज चर्चा की नहीं, देश हित भूल गए, शाम तक आते आते, मतलब दोपहर तक आते आते भूल गए देश हित, चर्चा भूल गए, बिना चर्चा के कर दी, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप करते रहिए किसका टॉमी है किसका टॉमी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला उसकी बात कीजिए। ठीक है, मैं सीधे शहजाद के पास जाता हूँ, शहजाद एक लाइन क्या कहेंगे बताइए, प्रधानमंत्री ने जानबूझकर बिना डिस्कशन के बिल पास करा दिया। ऐसा है, देखिए दीपक जी मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर एक लाइन मुझे बोलनी है, उसके बाद आप कक्का जी और आशुतोष जी भी बैठे हैं। देखिए दोनों विपक्ष और सत्ता दल दोनों इस बात पर एक मत है, तो चर्चा तो तब होती है जब अगर अलग अलग मत हो, जब कानून को हटाने के लिए, और ये क्या कहते थे कुछ महीने पहले, कहते थे नो डिस्कशन नो वेस्टिंग टाइम, तुरंत प्रभाव से इसको हटा दो। गुरुदीप जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, गुरुदीप जी आप तो सम्मानित है ऐसे मत कीजिए, ये पहले कहते थे नो डिस्कशन डोंट वेस्ट टाइम, तुरंत लाओ पार्लियामेंट सेशन में और इसको खत्म करो, आज कह रहे डिस्कशन करो, क्यों डिले करना है आपको। दूसरी बात मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, गुरदीप जी ने पंजाब का तो सवाल का जवाब नहीं दिया, एमएसपी इनके लिए मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स कैसे है, गुरदीप जी जानते हैं मनमोहन सिंह ने 2014 मार्च में कहा था एमएसपी से दाम बढ़ते हैं, एमएसपी लीड्स टू इन्फ्लेशन, मेरे पास बयान है मैं आपको दिखाता हूँ ये। अब दीपक जी मैं हाथ जोड़कर अपने भाई गुरदीप से पूछता हूँ, गुरदीप जी क्या किसानों की एमएसपी से दाम बढ़ते हैं, क्या इन्फ्लेशन किसानों की वजह से हो रहा है, आप आज कह दीजिए दिल खोलकर जो आपके मन में असली बात है, उस प्रधानमंत्री ने जो ये शब्द कहे थे, रघुराम राजन ने कहे थे कि ये पूर्ण तरीके से गलत है, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, पर आप ईमानदारी से कहेंगे कि मनमोहन सिंह जी गलत थे इसमें। ठीक है, क्या एमएसपी से दाम बढ़ते हैं गुरदीप सप्पल बताइए, फिर आशुतोष के पास जाऊंगा, छोटा जवाब प्लीज। दीपक जी केवल एक इकोनॉमिस्ट ही जानता है कि इन्फ्लेशन देश के लिए कब जरूरी है और कब गैर जरूरी है, ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं ना, इनको इकोनॉमिक्स का एबीसी नहीं पता है। अगर इन्फ्लेशन जीरो होती है एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, देश की आर्थिक प्रगति रुक जाती है, ये मालूम है, इन्फ्लेशन 6% तक मानी जाती है, उसके ऊपर देश के लिए घातक होती है, अगर रेट नहीं बढ़ेंगे तो लोगों की कमाई कैसे बढ़ेगी, आपको ये मालूम ही नहीं है, ये बात को कहीं से उठाते हैं कहीं चिपका देते हैं, इनको कमेटी नरेंद्र मोदी जी के अंडर में किसने बनवाई थी कमेटी, नहीं सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मनमोहन सिंह ने कहा है, और सवाल ये है कि मोदी जी ने उसमें रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी होना चाहिए, क्या आप इससे एग्री करते हैं? ठीक है एक मिनट, मनमोहन सिंह के टाइम पे मोदी जी के मुकाबले दुगनी बढ़ी, आप एक मिनट, आप 3.5 लाख करोड़ देते थे योगदान के लिए, हमने 8 लाख करोड़ दिए, हमने कभी किसान को ये नहीं कहा कि तुम्हारी एमएसपी से दाम बढ़ रहा है, आप अगर पूरी बात सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, मोदी जी कह ही नहीं सकते, मोदी जी उस परिवार से आते जो किसानों का गरीब होता है, चुप कीजिए मेरा जवाब ले लीजिए, संपन्न परिवार है, तो आप कहते हैं कि मेरी शैंपेन की जो प्राइस है वो आप किसानों की वजह से बढ़ रही है, मेरी दारू की प्राइस है वो किसानों की वजह से बढ़ रही है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री तो चाय बेचने वाले परिवार से आए हैं, तो हम कतई नहीं जवाब ले लीजिए पहले जी। शहजाद को ये मालूम नहीं है कि यूपीए के टाइम पे एमएसपी 2 गुना बड़ी बनस्पत की मोदी जी के, अगर मनमोहन सिंह जी ने जो भी बोला एमएसपी से भाव बढ़े या नहीं बढ़े, सवाल यह कि एमएसपी ज्यादा दी किसने, आपके टाइम पे एमएसपी इस साल कितनी बढ़ी, 1% मूंग के ऊपर, 3% रागी के ऊपर, 1% मक्के के ऊपर, 5% मूंगफली के ऊपर, और इन्फ्लेशन आपका है 9% 10% इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, ठीक है, और आप कहते हैं आशुतोष सदन में जो कुछ हुआ देखकर आपको अच्छा लगा कि चलिए कृषि कानून वापस हो गए या डिस्कशन नहीं हुआ उसको अभी भी आप एक बड़ा मुद्दा मानते हैं? एमएसपी कांग्रेस ने दी। दीपक सबसे पहली बात तो ये कि जो गुरदीप सप्पल जी बात कर रहे हैं वो बात सही है, केरला ने 2022 अक्टूबर के महीने में एमएसपी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर दी थी,
ये फैक्ट है, अगर आप गूगल करेंगे तो हमारे ख्याल से इसकी जानकारी भी मिल जाएगी और पूरी पूरी डिटेलिंग भी उसमें मिल जाएगी। चलिए सप्पल साहब का आधा काम आपने कर दिया, बढ़िया है, मैं देखता हूँ अभी गूगल पे। नहीं नहीं, आधा आधा काम करने की बात ही, मैंने कहा कि चूंकि आपके चैनल पे डिबेट हो रही है तो सच बात जनता के पास होनी चाहिए। 16 ऐसे आइटम्स थे जिस पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिस पर उन्होंने दिए हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी पूरी डिटेल भी दे दूंगा किस पे कितना है। टेपियोका पे 12 है, केला पे 12 है, वेनाड बनाना पे 24 है, पाइनएप्पल पे 15 है, एस गोल्ड पे, तो पूरा पूरी डिटेलिंग है उस पर। तो आपके दर्शकों के पास गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं ये बात कहना है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक सवाल इस बात को लेकर, मैं सजाद, मैंने आपके बारे में बोला नहीं तो आप प्लीज मत, बेसिक सवाल क्या है, बेसिक सवाल इस बात को लेकर यह है कि इतना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कानून था, और आप जानते हैं कि मैं ये जो किसान फार्मर्स के जो कानून है इनके पक्ष में था, लेकिन जो सरकार बिना किसी तरीके की बहस करने के, बिना किसी डिस्कशन करने के अगर वो कानून लेकर आती है, एक साल तक सारे किसान इस पर बुरी तरीके से आंदोलन करते हैं, 700 से ज्यादा किसानों की जान जाती है, उनको आतंकवादी, उनको 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 पाकिस्तान परस्त, उनको चीन परस्त, उनको मवाली, उनको उनको आंदोलन जीवी, न जाने क्या क्या कहा जाता है। तो अगर सरकार को वापस भी लेना था तो संसद की एक मर्यादा होती है, मर्यादा यह होती है कि संसद के अंदर बहस होनी चाहिए। आप क्यों कानून वापस दे, इस पर कम से कम बहस तो होनी चाहिए संसद के अंदर। अगर बहस नहीं होगी तो संसद का कोई मतलब नहीं रहेगा। संसद एकमात्र फोरम है जहां पे सारे देश के लोगों को देश के मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। अगर वहां बहस नहीं हो रही है तो संसद अपने आप में धीरे 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 इररिलेवेंट होती जाएगी, और फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो कृषि कानूनों को लाने के बाद पैदा हुई थी। अगर बहस कर ली गई होती, अगर इसमें किसानों से चर्चा कर ली गई होती, तो ये किसान पिछले सवाल साल से, एक साल से आंदोलन नहीं करते। इसलिए जब वापस लेते समय भी अगर सरकार ने बहस नहीं की तो ये सरकार की गलती है, और सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। ठीक है, आपको लगता है सरकार की गलती है, शहजाद से इसका जवाब लेंगे, कक्का जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रशांत पांडे मेरे दर्शक प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या इस सरकार के इस कदम के बाद आंदोलन वापस हो जाना चाहिए या एमएसपी की गारंटी तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए, आपका क्या मत है? जी धन्यवाद। देखिए दो चीजें हैं, जब सरकार ने वापस ले लिया कानून तो फिर आंदोलन की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये आंदोलन केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो। रही बात एमएसपी की गारंटी की, तो ऑलरेडी लंबे समय से एमएसपी चीजों पर मिल रही है, मिलती रहेगी और समय के साथ बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ किसी चीज पे बहुत बड़ा अमाउंट एमएसपी मिल जाएगा। और भारत जैसे देश में केवल गेहूं, चावल या गन्ना उत्पादन करने वाला ही किसान नहीं है, मछली पालन करने वाला, मुर्गी पालन करने वाला, बकरी पालन करने वाला भी किसान है, जो नारियल की खेती, नारियल का उत्पादन करता है वो भी किसान है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज पे आप एक तय रेट कर दें कि नहीं इससे नीचे नहीं। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि आप कहते हैं कि दूध का, आप आज गरीब इंसान के बच्चे को भी दूध की आवश्यकता होती है, अमीर के बच्चे को भी दूध की आवश्यकता होती है। आप अगर कोई रेट तय कर देते हैं 100 रुपए लीटर, जैसे आ रहा था कि 100 रुपए लीटर दूध बेचेंगे हम, तो ऐसी चीजें ना करिए कि जिससे कि देश में एक बड़ी खाई पैदा हो। एमएसपी मिलती रही है, मिलती रहेगी, हम लोग भी किसान परिवार से हैं, लगातार चीजों को देखा, इसका मतलब ये नहीं। अब आप ये कहिए कि हमारी महत्वाकांक्षा है तो मैं इस आंदोलन को चिंगम की तरह खींचता रहूंगा, जब तक चलेगा खींचेंगे, यही चीजें रही। और कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई है इस आंदोलन की, जब आप जिस चीज को लेके आए थे वो वापस हो गया। आपकी, आप समझ नहीं पाए, सरकार समझा नहीं पाई क्या चीजें थी, वो अलग इशू है। ठीक है, सीधे शिव कुमार कक्का जी के पास चलता हूँ। कक्का जी बताइए, पंजाब की जो सिचुएशन है, पंजाब में पंजाब के किसानों ने, 32 संगठनों ने बैठक करके आज मोटे तौर पर ये ऑफ द रिकॉर्ड कह दिया है कि अब आंदोलन खींचने का मतलब नहीं है। क्या 1 तारीख को इस पर फैसला हो जाएगा कि आंदोलन वापस लिया जाए? देखिए, पूरे पंजाब के किसान एक मुस्त है, एकजुट है, और दोनों मांगें बराबर की रही हैं। आंदोलन बगैर एमएसपी के वापस नहीं होगा। जो भी जानकारी आई है वह ठीक नहीं है। हम लगातार पंजाब के और तमाम, चूंकि किसान संयुक्त किसान मोर्चा है और संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश और निर्णय का पालन सभी संगठन करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों ने पीएम को पत्र लिखा है और पत्र में हमारी एमएसपी पर गारंटी का कानून, चूंकि 2011 में प्रधानमंत्री जब इस कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को खत लिखा था, जो आपको पता होगा,
खत लिखा था कि एमएसपी का गारंटी का कानून बनना चाहिए, उन्होंने सिफारिश की थी। वही अब पीएम कहते हैं कि था, रहेगा, है, तो उसका कानून बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी घोषणा की कमेटी हम बनाएंगे एमएसपी के लिए, तो कमेटी बना दें और कमेटी बनाकर पूरे देश की तमाम फसलों और अलग अलग प्रांतों की अलग अलग स्थितियों को देखते हुए वो कमेटी तय करेगी। कमेटी में लोग हमारे भी होंगे, कमेटी में सरकार के भी होंगे, डायलॉग को हम लोग तैयार है। सरकार को जो हमने पत्र लिखा है 20 तारीख को, जिसमें धन्यवाद भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और आंदोलन जब बहुत लंबा चलता है चौरसिया जी, तो बहुत सारे मुकदमे अकेले हरियाणा में 48,000 मुकदमे किसानों पर ला दे गए हैं, पंजाब में ला दे गए हैं, दिल्ली में ला दे गए हैं। वो आंदोलन के चलते तमाम मुकदमे वापस होते हैं, 700 किसान शहीद हुए हैं। मुझे आज बड़ी तकलीफ भी हुई है कि इतने दिनों से लोकसभा चलती रही परंतु सरकार ने किसानों को श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझा, चर्चा नहीं हो पाई। न पहले चर्चा हुई ऑर्डिनेंस लाते समय, न निरस्त करते समय चर्चा हुई, वो तो अपना विषय है, परंतु श्रद्धांजलि कम से कम, 700 किसानों की बड़ी संख्या होती है, दुनिया का ये सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मानता हूँ तो जो किसान अभी तक असंगठित था पूरे देश का, वो एक बार संगठित हुआ है। और ये संदेश दिया है कि आने वाली सरकारें कभी भी किसान के बारे में कोई कानून बनाना चाहेंगी तो किसान को बगैर विश्वास में लिए कोई कानून अब इस देश में नहीं बना पाएंगी। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि कमेटी बने, कमेटी में तमाम चर्चाएं हों और उस एमएसपी पर गारंटी के कानून की शक्ल कमेटी तय करे कि उसकी शक्ल क्या होगी, अंतर की राशि सरकार देना चाहती है वो भी एक हो सकता है। अध्यादेश 246 में कृषि राज्य का विषय, ये बार बार विषय आता है, तो मेरा ये मानना है कि अगर कृषि राज्य का ही विषय है तो कृषि मंत्रालय की भारत सरकार को क्या जरूरत है, जब सारा राज्य को ही तय करना है तो कृषि मंत्रालय का औचित्य वहाँ खत्म हो जाता है। पर ट्रेडिंग कृषि कहते हैं हम करेंगे केंद्र सरकार, तो ये कौन से कानून में है? तो ये भी एक बड़ी बहस है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर रिट लगी हुई है, जब ये तीन काले कानून आए थे कि जब कृषि राज्य का विषय है तो केंद्र सरकार ये तीन काले कानून किस आधार पर लेकर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे भी किया है। और इस कानूनों का दुष्परिणाम मध्य प्रदेश में 1972 में जब सरकार थी सेठी जी की, तो मंडी एक्ट बना था और उस मंडी एक्ट में साफ लिखा है कि मंडियों में पहली बोली समर्थन मूल्य से नीचे अगर लगाई जाएगी तो अपराध होगा, FIR दर्ज होगी। ये सबसे अच्छा एक्ट है मध्य प्रदेश का, मंडी एक्ट। तो जब राज्य का विषय है तो उसका भी तरीका निकल जाएगा, ठीक है, या सभी राज्य केंद्र सरकार को अधिकृत कर दें कि आप समर्थन मूल्य का कानून बना दें, या जो मूल्य निर्धारण आयोग है जिसमें केवल 3 मेंबर हैं, चेयरमैन नहीं है, 2 मेंबर नहीं है, इससे संवेदनशीलता सरकार की मालूम पड़ती है कि सरकार अभी तक मूल्य निर्धारण आयोग का चेयरमैन नहीं बना पाई है, उसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, जैसे ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल है। चलिए मैं आपके सवालों के जवाब शहजाद से ले लेता हूँ, सबके हाथ उठ रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, लेकिन शहजाद की जवाब देने की बारी बनती है क्योंकि उससे पहले आशुतोष और शिव कुमार कक्का दोनों सरकार से सवाल पूछ चुके हैं। शहजाद मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या श्रद्धांजलि नहीं बनती थी शहीद किसानों को, ये मूल सवाल उठा रहे हैं कक्का जी। देखिए कक्का जी ने 700 किसानों की बात की, हालांकि कुछ लोग 600 और कुछ लोग 800 का भी आंकड़ा देते हैं, मैं कक्का जी के आंकड़ों के साथ जाना चाहता हूँ, 700 का इन्होंने आंकड़ा दिया। उसी 11 महीने 12 महीने के कार्यकाल में 2,200 किसानों ने महाराष्ट्र में जान खोई, 140 किसानों ने छत्तीसगढ़ में जान खोई, कुछ आदिवासी किसानों को भी इन्होंने भून दिया है। राजस्थान के किसानों की बहुत पिटाई हुई जब वो MSP मांगने गए बाजरा और बाकी गेहूं के लिए। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर तमाम देश के किसान, चाहे जिस भी राज्य में उनकी जान गई हो, जिस भी कारणवश, उनके लिए हमें पूरी तरह से चिंतन करनी चाहिए। मैं कहां इसके लिए मना कर रहा हूं, मुझे पता है कक्का जी का दिल केवल हमारे बॉर्डरों पर बैठे हुए किसानों के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के भी किसानों के लिए उतना ही धड़कता है जितना कि छत्तीसगढ़ के लिए धड़कता है। हो सकता है गुरदीप जी का कि जो देखने का नजरिया है वो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो केवल राजनीति के लिए किसी को स्मारक बनाने की बात या कुछ देने की बात करना चाहते हैं, पर कक्का जी का वैसा विजन नहीं है। दूसरी बात, मंडी की लड़ाई है पूरी, ये देखिए दीपक जी मैंने आपके फोन पे भी भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, मंडी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, केरल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं, आगे कहते हैं APMC एक्ट के नॉट रिप्लेस करंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम। मेरा सवाल सिंपल है, या तो केरल मानता है कि ये मंडी सिस्टम खराब है तो पूरे देश में वो खराब मंडी सिस्टम आप लाने के इच्छुक है,
या अगर केरल नहीं लागू कर रहा है इस मंडी सिस्टम को जिसके लिए हमने जद्दोजहद की, तो आप मुझे बताइए। अभय दुबे जी अब जुड़ चुके हैं, गुरदीप जी चले गए हैं, उनकी जगह अभय दुबे आए हैं, तो आज मुझे अभय दुबे जी बताएं कि केरल में एपीएमसी की मंडियां कब लागू करेंगे, क्योंकि ये सवाल अभय दुबे से पूछेंगे। लेकिन एमएसपी वाली बात आशुतोष ने उठाई थी, हमारे फैक्ट्स ठीक किए थे आशुतोष, आपके फैक्ट बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मूल मुद्दा मंडी का अभी भी रहता है। केरल में मंडी नहीं है, ऐसे में मंडी क्या किसानों की मूल मांग नहीं है? क्योंकि आदरणीय कक्का जी ने अभी अभी बताया कि पीसी सेठी ने मंडी एक्ट को कितना मजबूत किया 70s के जमाने में। दीपक, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि सजात ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जहां जहां भी किसानों के साथ अत्याचार हुआ और किसानों की जाने गई हैं, उन पर भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि देश की संसद ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और सरकार की तरफ से बाकायदा एक प्रस्ताव आना चाहिए कि जो 700 किसान जिनकी जान गई है, उसके अलावा जिन जिन राज्यों के किसानों की जाने गई हैं, उनके भी नाम लेकर किसानों के नाम पर एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और मैं इसमें सहजात से पूरी तरीके से, चाहे वो राजस्थान के किसान हो, चाहे वो महाराष्ट्र के किसान हो, चाहे वो मणिपुर के किसान हो, किसान किसान है। लेकिन एक चीज जो हैरानी की बात यह है कि ये जो किसान जो पिछले सवा साल से लगातार बैठे रहे, तकलीफ में थे, इन पर एक भी शब्द देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। यह बहुत हैरानी की बात है। जहां तक केरल की बात है, मैं नीति आयोग की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है केरल इस देश का वन ऑफ द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट है, और यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश और मणिपुर ये वर्स्ट गवर्न्ड स्टेट है। तो जो बेस्ट गवर्न्ड स्टेट है उनको, उनकी वहां पे जो किसानों की हालत है, आप जाके वहां देख लीजिए और उसके यूपी बिहार और मध्य प्रदेश से तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिहार में तो एपीएमसी, जो एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियों को न जाने कब से बाहर कर दिया गया है, नीतीश कुमार के समय से, आप वहां का किसान आज भुखमरी के कगार पर पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को लगता है कि अगर ये एपीएमसी एक्ट को अगर हटा दिया जाएगा, मंडी सिस्टम हटा दिया जाएगा, तो वही हालत हरियाणा और पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की भी होगी। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर कक्का जी की बात बिल्कुल सही है, राज्य सरकारों का विषय है, राज्य सरकारों को से फैसला करना चाहिए। केंद्र सरकार ने न जाने क्यों इसको ट्रेड में लाके इसको कॉन्करेंट से उठाकर अपने यहाँ किया है, जो और जिसका खमियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है शहजाद, एक क्विक जवाब, मुझे पता है आपको जाना है, मुझे बताइए, केरल को बाकी जगहों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, मेरा कंपैरिजन गलत है, बिकॉज केरल देश का बेस्ट गवर्न्ड स्टेट है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कोट कर रहा हूँ, मैंने शब्दों को सिर्फ कम किया है। देखिए, जहां तक केरल के बेस्ट राज्य होने का दावा है, तो केरल में सेकेंड वेव के दौरान क्या केरल मॉडल निकला, और उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 7-8 गुना ज्यादा है केरल से, उसने किस प्रभावी ढंग से 16 करोड़ टीके भी लगाए और कोरोना को मैनेज किया, पूरे देश ने देखा है। वहां पे मौतें ज्यादा हुई है, 3-3.5 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा मौतें हुई है। परंतु आशुतोष जी के बायस को नजर में रखते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वही बात हो गई ना, हम करें तो चमत्कार, दूसरे करें तो गुनेकार। अगर केरल का सिस्टम इतना ही वाकई इतना अच्छा है, तो बोलिए ना कांग्रेस पार्टी को कि सभी जगह इसी को लागू करें, वहां से तो सांसद भी है राहुल गांधी, पर वो क्यों वकालत नहीं कर रहे उस सिस्टम की? पूरे देश में तो मंडी चाहते हैं, केरल में मंडी ना हो तो उस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, और पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सजा भी लाते हैं और वहां पे सब कुछ अपनाते हैं, पर पूरे देश में ये गाना गाते हैं कि ये गुनाह हो रहा है, ये अपराध हो रहा है, ये दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। ठीक है, मैं सीधे जगतार सिंह बाजवा साहब के पास चलता हूँ। जगतार सिंह बाजवा साहब, 32 किसान संगठन जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, उनकी मीटिंग हुई, क्या आप आंदोलन वापस लेने जा रहे हैं? देखिए, जो मीटिंग हुई है 32 संगठनों की, उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि वो आंदोलन वापस लेने जा रहे हैं। वो तो 1 तारीख की फिर मीटिंग है, उसके बाद 4 तारीख की मीटिंग भी स्टैंड है। तो ये तो सिर्फ ये है कि अभी 1 तारीख को जो जितना जितना डेवलप हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए है। आज 32 संगठनों ने मीटिंग की और उसकी प्रेस आपने सुनी होगी, उसमें कहा उन्होंने ऐसी तो कोई घोषणा नहीं की कि हम आंदोलन को वापस लेने जा रहे हैं। अब ये किस तरीके से आप कह रहे हैं, इस पर हमारा कहना कोई उचित नहीं है कि हम कुछ कहें, लेकिन ये आंदोलन एमएसपी और तीनों कानूनों को लेकर के चला था। तीनों कानूनों को आज वापस कर ले लिया गया है, और एमएसपी की गारंटी का कानून हम चाहते हैं, उस पर सरकार ने अभी तक कोई चर्चा नहीं की है, कोई किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया है, और जब तक कोई सकारात्मक हल एमएसपी पर नहीं निकलता तब तक ये आंदोलन जारी रहना। ठीक है, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट और लॉजिकल बात कही। हमारे पास सूत्रों से जो खबर आई थी आपने बताई, हमने बताई, लेकिन आपने उसको दुरुस्त किया है, हम भी अपनी लाइन को दुरुस्त करेंगे। हम कह रहे हैं कि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई
अंतिम फैसला नहीं लिया है। नए पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से शाहिद एलमी जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे भाई छोटे भाई बड़े भाई अभय दुबे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं मेरे भाई, वो भी मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, दो मुद्दे उठाए, केरल में मंडी नहीं और पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें किसानों को सजा, कैसे कांग्रेस डिफेंड करेंगी इन दोनों मुद्दों पर अपने आप को, क्योंकि किसान कानूनों की बेसिस ही यही है, कानूनों के विरोध की। दीपक चौरसिया जी, वो कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है, उसके साथ शायद मेरे शहजाद भाई बैठे थे। 7 राज्य हैं ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं है, और 7 में से एकमात्र स्टेट है बिहार जिसका मूल्यांकन हमको हमारे उत्तर भारत के कम से कम राज्यों के साथ या दक्षिण भारत के राज्य जहां पर क्रॉप का पैटर्न सेम है, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में अलग अलग फसलें उत्पादित होती। केरल में क्या फसल उत्पादित होती? केरल में होती है कोकोनट, केरल में होती काजू, केरल में होती मिर्ची, केरल में प्लांटेशन क्रॉप रबर, कॉफी और धान। धान वहां 500,000 मेट्रिक टन प्रिक्योर किया जाता है, इसलिए उससे कंपेयर मत कीजिए। नाबार्ड की मोदी सरकार की रिपोर्ट देखिए बिहार को लेकर, उन्होंने बताया सबसे बदतर स्थिति बिहार के किसान की है। खैर, मोदी सरकार के राज में पूरे देश की बदतर स्थिति हो गई है, एनएसएसओ की रिपोर्ट ने बता दिया। 27 रुपए की प्रतिदिन की इनकम किसानों की रह गई और 74,000 रुपए का कर्ज हो गया है। आज क्यों समर्थन मूल्य के कानून बनाने की देश में बात चल रही है, मुखरता से इसको समझना चाहिए। इसके पहले इतना बड़ा व्यापक आंदोलन क्यों नहीं हुआ? मैं 2-3 रिपोर्ट का उसमें छोटे से मैं हवाला देता हूं। एक शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, वो गंभीर आरोप खुद मोदी सरकार पर लगा। वो कहती इंपोर्ट्स ऑफ द पल्सेस कम एट अ प्राइस मच बिलो देयर एमएसपी, दिस हैम्पर्स द डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा वो कहते हैं कि आप मोदी सरकार कर क्या रही है, मोडस ऑपरेंडी समझिए, जो फसलें बाजार में आने वाली होती किसानों की, उसी समय मोदी सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत कम करती है और बड़ी मात्रा में मुट्ठी भर पूंजीपतियों को इंपोर्ट की अनुमति दे देती है। आप भाषण उठाकर देखना प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दिया था कि किसान भाइयों ने दाल इतनी अच्छी उत्पादित की है कि मैं बहुत खुश हूं। उसी समय 3 साल से जो दाल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा था उसमें खुली छूट दे दी, अक्टूबर तक पहले उसको लिमिट किया था, अब वो जनवरी तक कर दी। इसी प्रकार मक्का के किसान बिहार के हाईकोर्ट गए लेकिन 500,000 मेट्रिक टन मंगा लिया। सोयाबीन के इंपोर्ट की अनुमति दे दी, सोयाबीन के 3 दिन में 49% दाम हिंदुस्तान में कम हो गए। अब बड़ी बात ये जो बार बार करते हैं, जानकारी नहीं है, भ्रामक प्रचार करते हैं, ये मोदी सरकार का लोकसभा का जवाब है। ये जो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं कि ये इस कानून के आ जाने से सब जगह फसलें बेची जा सकेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब की बात की, ये जानते नहीं है मार्च 2013 का कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पंजाब का, जो कि मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की और अकाली दल की सरकार लाई थी, जिसमें किसानों को सजा का प्रावधान था। हमारी सरकार का कानून क्या है वो देश को जानना चाहिए। 1 साल से अधिक हो गया छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान, पंजाब का क्या कानून है मैं बताता हूं, जिससे चौंक जाएंगे देश के सारे लोग। वो कहते हैं इफ एनी पर्सन और कंपनी और कॉर्पोरेट हाउस और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ द बॉडी और पर्सन वेदर इन, मैं हिंदी में तर्जुमा बताता हूं, वो कहते हैं समर्थन मूल्य से किसी भी निजी क्षेत्र के आदमी ने अगर फसल खरीदी तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। मोदी जी 1 साल से इसको अनुमति नहीं दे रहे, ना खुद बनाते हैं ना बनाने देते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जब तक व्यापक रूप से पूरे देश का कानून नहीं बनाएंगे, जो अभी एंट्री 33B की बात हो रही ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें बनाना इसलिए अनिवार्य दीपक चौरसिया जी, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रेड लागू है फार्मिंग सेक्टर में। अब आपके और मेरे मध्य प्रदेश राज्य में अगर हमने समर्थन मूल्य लागू कर दिया तो यहाँ का व्यापारी जाएगा और वो दूसरे गुजरात प्रांत से खरीद लेगा। इसलिए इस केंद्र सरकार को वाणिज्य एंट्री 33B में ये कानून बनाना चाहिए, जिसकी मांग देश के सारे किसान साथी कर रहे हैं। अब बात आती है इनकी, जो खुद इनकी एनएसएसओ की रिपोर्ट है, वो क्या कह रहे हैं, कितना झूठ परोसते हैं। अभी इनके प्रवक्ता लोग कह रहे थे कि 86% किसान फसलें बेच, चैनल में सुन रहा था कई दिनों से बोलते कि 86% किसान तो फसलें बाजार में बेचते ही नहीं, खुद के लिए उपयोग करते हैं, गलत बात है। परसेंट ये कह रही है एनएसएसओ की रिपोर्ट, परसेंटेज शेयर ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रॉप सोल्ड ऑफ टू द डिफरेंट एजेंसीज,
वो 59.3% पेडी का, ज्वार का 63.9%, बाजरा का, मतलब इतने प्रतिशत किसान बाजार में अपनी फसलें बेचते हैं। लेकिन सरकारी एजेंसियों को कितना बेचते हैं, तो सरकारी एजेंसियों को जो बेचते हैं वो धान सिर्फ 14%, ज्वार सिर्फ 3, मतलब जो प्रोक्योरमेंट करती है सरकार, मक्का सिर्फ 4%, रागी 0%, ऐसे कुल जो फसलें हैं वो 6-7% से ज्यादा प्रोक्योर नहीं करती और 57% तक बाजार मूल्य से भी कम दाम किसानों को मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मोदी जी की रिपोर्ट कह रही। तो प्रधानमंत्री जी कृपया अपनी रिपोर्ट तो देखिए, न्याय कर दीजिए किसान के साथ। हम सब आपको माला पहनाने आएंगे, मैं आज कह रहा हूं आपको, समर्थन मूल्य का व्यापक कानून बनाइए। जो क्या आपने पूंजीपतियों के लिए किसान के लिए करके देखिए आप, ठीक है। शाजी अलमी जी बताइए कितनी जल्दी बन जाएगा एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी को देने वाला कानून, बताइए। देखिए, एक बहुत सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री और ये सरकार है जिसने पहली बार स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया। और स्वामीनाथन रिपोर्ट किससे लाई थी, भाई साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके एक एक झूठ का मैं पोल खोलती हूँ। और उसके कितने सालों तक इनकी सरकार रही, उन्होंने कुछ इसको लेकर नहीं किया। आज के दौर पे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एमएसपी से कहीं ज्यादा डेढ़ गुना का तो ऐसे बढ़कर, और चाहे मैं ऑयल, आप झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए अन्य आपके लिए एक ही चीज बताती हूँ, 2009 में, अरे मुझे बोलने दीजिए, अच्छा अब प्लीज बोलने दीजिए उनको, अबे बोलने दीजिए, बहुत देर तक बोला और बहुत झूठ बोले। नहीं झूठ नहीं, मैं बोलूंगी मैं आपको एक्सपोज करूंगी। 2009 में ये सही बात उन्होंने कही कि भाजपा और अकाली की सरकार थी, आप छोटे घटक थे तभी ये कानून आया। लेकिन उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार रही है 4.5 साल तक, उन्होंने क्यों नहीं इसको हटाया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो लॉ लागू था, आप उसको हटा देते, उन्होंने हटाए नहीं। इनसे पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं कि अरे हमने लागू, हमने हटाया नहीं, लेजिस्लेशन में हटा देते अगर आपको लग रहा था इतना बुरा कानून है, जिसके तहत किसान को 1 साल से लेकर 3 साल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना बढ़ता है। ये जो फार्म लॉ जिनको ये काला कानून कह रहे हैं, ये ऑलरेडी उनमें से एक लागू है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमारे कानून के हिसाब से, यानी कि केंद्रीय सरकार के हिसाब से, किसान को अनुबंध का कोई नुकसान नहीं होगा, उसको मुआवजा नहीं उठाना पड़ेगा, कंपनी को उठाना पड़ेगा, और सजा की प्रावधान और फाइन का। तो ये बता दूं सच सच, उन्होंने एनएसएसओ के सर्वे की बात की। अब हमारे देश में कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, जब भी डेटा आता है ना उसके साथ हेर फेर करते हैं, पर हम लोग भी बेवकूफ लोग नहीं है, हम लोग भी समझ जाते हैं। तो क्यों पैसे बच रहे हैं, कम बच रहे हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग जो है, जो पहले साहूकार राज था आपके दौर में, जब बैंकों से पैसा नहीं मिलता था, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थी लेंडिंग, अब जो है ज्यादा इजिली अवेलेबल है, इसलिए लोग जो है, लोगों ने कर्ज लिए हुए हैं, उसकी वजह से पैसे कम बच रहे हैं, क्योंकि उनको किस्तों में और चीजों के लिए देना होता है। जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बढ़ गए हैं और इतनी योजनाओं के तहत लोग जो है वो कर रहे हैं, ये है एनएसएसओ सर्वे का जो आया है। तो भाई साहब, हम लोग जो जितना पढ़ रहे हैं ना, आपने यहां वहां से निकाल लिया है ना, वो हम सब जानते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं, जब एपीएमसी की बात हो रही है, तो जो मॉडल एक्ट एपीएमसी का था और जिसकी बात कितनी कही, और शरद पवार जो कृषि मंत्री थे यूपीए के दौरान, उन्होंने क्या कहा था कि पूरी तरह से एक देश के हिसाब से इसका वैश्वीकरण होना चाहिए। बाकायदा इसकी मांग उठाई गई, कितनी बार उठाई गई, मनमोहन सिंह ने जी इसकी बात, लेकिन करके किसी ने नहीं दिखाया। अब जो है अब गोलमोल बातें कर रहे हैं, और अगर पल्सेस की बात कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लिया है, लेकिन जो खरीद हुई है वो 75 गुना बड़ी है 5 सालों से अब तक सिर्फ उसकी। और जहां तक खरीद एक बात है और उपज की बात है धान की और गेहूं की, उसके आंकड़े में दे दूंगी, आप हमारे भाई साहब जो है उनको कहते नहीं बनेगा, यहां वहां से उठाकर बोलते हैं। इनके दौरान मैं खुद रिपोर्टिंग की है महाराष्ट्र के विदर्भ में, आपने भी की है, हम दोनों एंकर्स थे कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, किसान मर रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे, याद है आपको वो दौर, हजारों 10-20 हजार बाकायदा इसको लेकर इतना, मतलब इतनी बार इस पर चर्चा हुई। और उसके 2009 से कितने दिनों बाद तक यूपीए की सरकार रही, तब तो नहीं सोचा गया एमएसपी का कानून, तब तो बनाने की नहीं सोची। और बार बार नरेंद्र मोदी जी की रिपोर्ट की बात करते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे उसके भी 3 साल बाद तक इनकी सरकार रही और मनमोहन सिंह रहे, क्या हुआ?
बना ठीक है, मैं लूंगा सभी सवालों के जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, संसद में जो कुछ हुआ ठीक लगा आज आपको? एक चीज पर झूठ, एक एक चीज पर झूठ मैंने पढ़े, मुझे सब मालूम है, मुझे रटा हुआ है, मैंने एग्रीकल्चर में बहुत काम किया, आप इतना गोलमोल बातें कर रहे हैं और मालूम है संसद में क्या हो रहा है? दीपक जी संसद, ठीक है एक मिनट रुक जाइए शाहजी जी, बहुत लंबा हो गया, अनुराग जी के साथ अन्याय होगा अगर मैंने उनको बोलने का वक्त नहीं दिया। अनुराग जी बताइए संसद में जो कुछ हुआ ठीक हुआ? बिल्कुल अन्याय मत होने दीजिए, क्योंकि पैनल पे सभी लोग आपके जानने वाले हैं, आपके सीनियर एडिटर आपके साथ बैठे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में मैं साजिया जी आपके साथ थे, क्लास में अभय दुबे जी साथ थे, 1999 से मैं आपको जानता हूं। आप अनुराग भदौरिया जी इसका क्या करूंगा? अरे सुन तो, आप भी हरा कुर्ता पहनते हैं, मैं भी हरा कुर्ता पहनता हूं, इसका क्या करूंगा मैं? 1999-98 से मैं आपको जानता हूं, पतला दुबला लड़का, बारिश में भीगता हुआ, नीतीश कुमार के दरवाजे पे खड़े इंटरव्यू के लिए मैंने वो दौर भी आपका देखा है, इसलिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैंने नहीं, मैं अपनी बात कर लूं, मैंने चूंकि सभी पैनलिस्ट आपके जानने वाले, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो संसद में हुआ, जो आ रहा हूं जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, अफसोस की बात है कि ये सरकार संविधान से नहीं चल रही है, ये सरकार मेरी मर्जी से चल रही है। गाना था ना मेरी मर्जी, मैं चाहे लॉकडाउन लगाऊं, मैं चाहे नोटबंदी करूं, मैं चाहे जीएसटी करूं लगा दूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे बिल पास करूं, मैं चाहे बिल वापस कर लूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ पे किसान रौंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना दूं, या शहीदों का अपमान करने वाले भिखारी बोलने वाले को हम यहाँ पद्मश्री दे दें, मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी से हिंदुस्तान नहीं चलेगा भाई। आप ये लोकतंत्र का सम्मान कीजिए, आप पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं तब आप विपक्ष को शामिल नहीं करते, तब हम हल्ला मचा रहे थे कि नहीं भैया शामिल कर लीजिए, इस पे चर्चा कर लीजिए, चर्चा हो जाएगी तो बिल अच्छा बनेगा। आपने करोड़ों रुपया बर्बाद कराया पार्लियामेंट चला के, आपने बिल पास कर दिया, जब बिल वापस ले रहे हैं तब भी वही तानाशाही, अरे हमें शामिल कर लीजिए, बिल पे बहस हो जाएगी, यहाँ पे एमएसपी में बात हो जाएगी, क्या 700 किसानों की मौतें हुई, उनकी आर्थिक मदद कैसे होगी, कैसे हम किसानों को स्ट्रीम लाइन में लाएंगे, इस पे चर्चा हो जाती तो बिल अच्छा आप वापस करते, बिल और अच्छा बन जाता, लेकिन आपको तो किसी की सुननी नहीं है, आपको लगता है कि हमें तो अपनी चलानी है, क्योंकि मेरी मर्जी, आप अपनी मर्जी से पूरे हिंदुस्तान को कैसे चला सकते हैं? क्या एक बार भी किसान के बारे 700 किसानों की मौत हुई है, क्या पूरे दिन सदन चला एक बार भी उनके लिए क्या एक बार भी शोक व्यक्त किया गया? नहीं किया गया। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, कितनी हमारी माँ बहने विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कोई चर्चा नहीं। कमाल है भाई, ये हिंदुस्तानी थे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जिनको मवाली आप बता रहे थे वो नहीं थे, ये हमारे आपके रिश्तेदार, हमारे आपके भाई बहन, हिंदुस्तान के नागरिक थे, ये पाकिस्तानी नहीं थे जिनके परिवार। ठीक है, आप ही की बातों का जवाब लेंगे शाजिया से, अनुराग भाई आप ही की बातों का जवाब लेंगे शाजिया से, लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक अमन मिश्रा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमन क्या कहेंगे, आपको लगता है कि अब आंदोलन वापस हो जाना चाहिए या एमएसपी तक आंदोलन चलना चाहिए, एमएसपी जब तक नहीं मिल जाती? देखिए धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया, मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मैं इस चीज के लिए बहुत सपोर्ट में हूं कि आज कृषि कानून के संसद सत्र के पहले ही दिन लोकसभा से वापस लिया गया है, तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं इस चीज के सपोर्ट में हूं। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल देव जी अब दो मुद्दे हैं, पहली बात संसद में बहस नहीं हुई और दूसरी बात श्रद्धांजलि नहीं दी गई, आपका क्या व्यू है दोनों मसलों पर? बहस ना होना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ही, और ये हमें याद दिलाता है कि जब ये कानून लाए गए थे तो अभी कोई बहस नहीं हुई थी और बिना किसी बहस के, बिना किसी सदन में चर्चा के ये पारित करा लिए गए थे, उस समय भी ये अलोकतांत्रिक था। और आज जो हुआ मैं समझता हूँ उससे कोई सबक न लेकर, इस आंदोलन से सबक न लेकर इस पर कोई चर्चा ना होना, ये भी मेरी समझ में ना आने वाली बात है, इसका कोई कारण नहीं दिया जा सकता। बहस हो जाती तो उससे कुछ हो नहीं, अब इन कानूनों पर और पूरी खेती पर, किसानों की मांगों पर संसद में चर्चा होनी ही है, सत्र आज से शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत अगर बिना बहस के होगी, इतना बड़ा एक कदम उठाया गया वापस लेने का, एक ही दिन में दोनों सदनों में वापस हो गया, उस पर कोई चर्चा ना हो इसका कोई मतलब नहीं है। संसद में जो होता है दरअसल वो जनता के लिए होता है, जनता भी अपनी संसद को, अपने प्रतिनिधियों को, अपने बातों को मुखर करते स्वर देखना चाहती है, उनको संवाद करते देखना चाहती है, लेकिन पिछला सत्र भी काफी धुल गया इसी आपसी विपक्ष और पक्ष की लड़ाई के बीच में, अब नए सत्र की शुरुआत भी ऐसे हुई है, निलंबित कर दिए गए हैं 12 सांसद, तो ये शुरुआत अच्छी नहीं है। मैं समझता था कि और उम्मीद शायद देश को भी ये थी कि अब जब कानून वापस लेने का इतना बड़ा फैसला किया है सरकार ने, तो उसके बाद किसानों,
देश और विपक्षी दलों और सरकार के बीच में एक नया संवाद शुरू होगा, एक सार्थक स्वस्थ संवाद शुरू होगा, क्योंकि टकराव से कुछ हासिल नहीं होता ये देश ने देख लिया, अड़ने से भी कुछ हासिल नहीं होता ये भी देख लिया, सरकार को पीछे हटना पड़ा, तो अब वो नौबत क्यों आने दी जाए ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधे तो इसी सवाल से शाजिया से बातचीत शुरू करूंगा, फिर अभय से भी पूछूंगा 12 सांसदों के निलंबन के बारे में और समाजवादी पार्टी की भी राय लूंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।